एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन को बंद कर दिया गया है। किसानों का बवाल इस वक्त दिल्ली में जारी है। ग्रीन लाइन के मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं और 11 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन बंद हो गया, बहादुरगढ़ सिटी बंद है, पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया, टिकरी बॉर्डर टिकरी कला मेट्रो स्टेशन भी बंद हो गए हैं, घेवरा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया स्टेशन बंद हो गया है, मुंडका राजधानी पार्क नागलोई और नागलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो भी बंद किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों का आंदोलन अब कितना उग्र हो गया है कि बवाल के पहले ही घंटे में 11 स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि आंदोलन किस कदर बेकाबू है और किस तरीके से नेतृत्व विहीन है। और सवाल ये भी है कि जो किसान नेता कल तक नेता बन रहे थे, आज वो गायब है। और सीधे शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, इस वक्त आप कहां पर पहुंचे और वहां पर हालात क्या हैं? देखिए, हालात यहां पर बिल्कुल भी काबू में नहीं है। किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस ने कई जगह रोकने की कोशिश की है, लेकिन किसान नहीं रुके और किसान आगे बढ़ते चले गए। ये आईटीओ रोड है, अब दिल्ली किसानों के कब्जे में है, ये हम जरूर कह सकते हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है। राकेश टिकैत जी से बात करते हैं। टिकैत जी, अब कहाँ जा रहे हैं? किस अपने गांव? कौन से गांव जा रहे हैं आप दिल्ली में तो आगे? अरे अपने गांव तो जाएंगे दिल्ली से निकल के। कौन सा रास्ता, कब जाओगे? ये यहाँ से वजीराबाद से इससे इधर से निकल जाएंगे सब। राकेश जी, रूट तो दूसरा दिया था। कौन सा दिया था? आनंद विहार वाला है, आनंद विहार का। उसमें भी जा रहे, पुलिस ने रोक रखा है वहाँ तो। पुलिस ने रोक रखा है। अब अगला रणनीति क्या है, प्लान क्या है? दिल्ली पुलिस तो समझ नहीं पाई आप लोगों का प्लान। अच्छा, फिर क्या कर रही पुलिस, समझ नहीं पाई प्लान। अब पता था कि ये रास्ता है हमारा, यहाँ को चले जाएंगे निकल के। नहीं अगर मान रहे तो अपने ये कोई आंदोलन कोई कागजों पर चलता है क्या? राजघाट जाने की अब तैयारी है, इंडिया गेट जाने की तैयारी है। कहाँ वापसी जा रहे थे? लेकिन आप यहाँ पर हैं, मतलब हजारों ट्रैक्टर निकल चुके हैं, वो रास्ता दूसरा ना इख्तियार कर ले। नहीं नहीं, सब वापसी जाने लग रहे हैं। वापसी जा रहे हैं? तो क्या आंदोलन खत्म हो गया शक्ति? कहीं ना कहीं पुलिस समझ रही है। वापसी जा रहे हैं। देखिए, नहीं आंदोलन खत्म नहीं हुआ। राकेश जी जरूर कह रहे हैं कि अपने अब अपने गांव जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से शक्ति, एक सवाल और मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए अगर संभव हो, कि जो तोड़फोड़ हुई है, जो अक्षरधाम में बसें तोड़ी गई, इसका जिम्मेदार कौन है? राकेश जी कहते हैं योगेंद्र यादव है जो, या बाकी 38 नेता है? देखिए, ये सवाल हमने राकेश टिकैत जी से पहले भी पूछा था कि जिस तरीके से रास्ते में कई जगह किसान बैरिकेडिंग तोड़ते चले आए, बस तोड़ते चले आए, डंपर लगे हुए थे उन्हें तोड़ते चले आए, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। सीधा सीधा दिल्ली पुलिस समझ नहीं पाई किसानों के नेताओं की मंशा और इनकी रणनीति। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप, ये दिल्ली का मेन रोड है, आईटीओ रोड इसे कहते हैं, कि अब इसी इस पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम पहले से ही अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किसान दिल्ली में तो जाएगा, लेकिन दिल्ली से वापस कैसा आएगा ये हम कह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं लगातार ये भी कहना था कि अपने नेताओं की बात किसान जरूर मानेंगे, लेकिन किसानों ने नेताओं की बात नहीं मानी। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से अब किसान बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या शक्ति ये माने कि ये दिल्ली पुलिस का भी फेलियर है कि दिल्ली पुलिस अपने उस रूट का पालन नहीं करवा पाई जो रूट तय किए गए थे? ये तो दिल्ली पुलिस की भी नाकामी है जी। बिल्कुल सीधी सीधी इसमें दिल्ली पुलिस की नाकामी है और दिल्ली पुलिस समझ नहीं पाई। दिल्ली पुलिस ने अगर इनको रोक नहीं पाने में कामयाब नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को पहले ये सोचना चाहिए था रूट देने से पहले कि किसान अंदर आ जाएंगे तो किसान बाहर कैसे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट को देखते हुए दिल्ली पुलिस इसमें लगी रही, कि मैनेजमेंट करने में लगी रही, नेताओं से बात करनी रही लगी रही। उनके समय समय पर अधिकारी आते रहे, आईपीएस रैंक के अधिकारी आते रहे और नेताओं के हाथ जोड़कर वापस जाते रहे। तो कहीं ना कहीं सीधी तौर पे देखा जाए तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो बिल्कुल एकदम इसमें नाकाम हुए। उन्होंने हाथ तक जोड़े हैं उन्होंने क्या नेताओं के, लेकिन किसान नहीं माने और किसान आगे तक चलते चले गए।
किसान आगे तक बढ़ते चले गए। लगातार ये तस्वीरें, लगातार आप ये हुजूम देख सकते हैं। अब ये हुजूम बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में अब जैसे जैसे गांव के लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि हमारे जो किसान भाई हैं अब दिल्ली के अंदर जाके बैठ गए हैं, तो उन्हें भी आने, वो भी आएंगे लगातार। अब ये जो भीड़, लेकिन शक्ति ये बताइए कि रूट तो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, और अब पुलिस कहाँ है, पुलिस के अधिकारी कहाँ है, जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो लोग कहाँ है, कहीं ये रोकेंगे या पूरी दिल्ली में फैल जाएंगे? जी देखिए, ये तो अब आने वाला कुछ समय ही बताएगा। अगर पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो दिल्ली की ज़्यादातर सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आएंगे। अब दिल्ली वासी जो गाड़ियों में घूमा करते थे, कारों में घूमा करते थे, उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर की संख्या है वह हज़ारों में है, और ये हज़ारों में संख्या इसे कोई गिन नहीं सकता, कोई काउंट नहीं कर सकता। इनके नेता बता रहे हैं 20,000 हैं, 30,000 हैं, और इसको, इस संख्या को इस समय कोई भी गिन नहीं पा रहा है। इनको रोकने की तैयारी, शक्ति कहां पर है, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि ट्रैक्टर तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आरटीओ के आगे, ये अक्षरधाम भी रास्ता जाता है, ये गीता कॉलोनी भी जाता है, मयूर विहार की तरफ भी जाता है, इनको कहीं रोकने की तैयारी, कोई खबर मिल रही कि कहां पर रोका जाएगा इनको? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक कई जगह पुलिस ने रोकने की कोशिश तो इन लोगों की, लेकिन पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम रही। तो अगर पुलिस एक जगह यहाँ इकट्ठी नहीं हुई, जिस तरीके से एक रणनीति बनाई जाती है कि एक बैरियर तोड़ा, दूसरा बैरियर तोड़ा, तीसरा बैरियर तोड़ा, लेकिन एक बैरियर के बाद दूसरा बैरियर नज़दीक नज़र नहीं आया, वह कई किलोमीटर नज़र आया, वो भी हल्का फुल्का, तो कहीं ना कहीं ये सीधा देखा जा सकता है कि पुलिस का फेलियर है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ, अगर हम ये कहें कि कुछ पुलिस वाले भी इन किसानों के साथ मिले हुए हैं, तो ये भी कहना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि किसानों को पता था कि कितनी संख्या में पुलिस है और कितनी संख्या में पुलिस हमें रोक पाएगी। तो लगातार जिस तरीके बिल्कुल से, और शक्ति आपके पीछे एक दो सुरक्षा कर्मी जो दिख रहे हैं वो एकदम मौन खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब यहाँ पर कम से कम आईटीओ की बात करें तो यहाँ पर पुलिस स्पष्ट हो चुकी है, और वो आईटीओ जहाँ पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, अपने किले में ही पुलिस हार गई। जी बिल्कुल, पुलिस पस्त है और किसान मस्त है अपने ट्रैक्टर पर, और इन सड़कों पर अब वे ट्रैक्टर लेकर दौड़ रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया था कि हम यहाँ से चलेंगे तो हम सीधा दिल्ली में अंदर जाएंगे, ये बात जब हमें पता थी, हम बता रहे थे बार बार, तो पुलिस को कैसे नहीं पता थी? ये एक सोचने वाली बात है। पुलिस का फेलियर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि ये किसान अगर यहाँ पर जमकर बैठ गए तो दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ी, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन सड़कों पर अब किसानों का कब्जा है। वहीं अगर हम तस्वीरें दिखाते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस वाले किस तरीके से खड़े हुए हैं, इन्होंने एक बस लगाई रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने इनके सामने ही दूसरा रूट इख्तियार कर लिया, वहाँ से कुछ तोड़ा और तोड़ने के बाद दूसरी सड़क पर आ गए और वहाँ से आराम से गुजर रहे हैं। तो सीधा बिल्कुल, और शक्ति ये भी जानना चाहेंगे, ये कुछ जो ट्रैक्टर और गाड़ियां बिना ड्राइवर के दिख रही हैं, ये क्या माजरा है? लोगों को पकड़ा गया है क्या, हिरासत में लिया गया है क्या? जी देखिए, कहते हैं ऐसा कोई भी, कहते हैं इस समय कोई भी पुष्टि नहीं है कि किसी को हिरासत में लिया, क्योंकि हिरासत में लेने की पुलिस की इस समय हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। देखिए, अगर हम एक तरफ दिखा रहे हैं कि दूसरी तरफ किसान आराम से जा रहे हैं और जो पुलिस वाले आराम से खड़े हैं, तो किसानों को इस समय कोई भी नहीं रोक पा रहा और किसानों के साथ कोई भी इस समय भिड़ नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आईटीओ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान आंदोलन पूरी तरीके से बेकाबू हो गया है, और सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर है, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर आईटीओ पर है। अगर वहां पर हालात न समझें तो फिर समझा जा सकता है कि कितनी कमजोर रणनीति और कितनी अदूरदर्शिता के साथ दिल्ली पुलिस ने इस आंदोलन को टैकल किया है, और दिल्ली पुलिस ये आंदोलन संभाल नहीं पाई। तो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लाठियां चल रही हैं, लेकिन लाठियों को चलाने का मतलब इसलिए नहीं है, ये लाठियां इसलिए बेकार हैं
क्योंकि किसानों ने रूट को तोड़कर अपना रास्ता आगे बढ़ा लिया। किसानों को आगे जाना था, वो आगे निकल गए। ऐसे में ये लाठी चार्ज पुलिस की बौखलाहट हो सकती है, लेकिन पुलिस किसानों को तय रूट्स पर रोकने में पूरी तरीके से फेल हो गई। और सवाल पुलिस की रणनीतियों पर भी है, और सवाल ये भी है, जैसा कि राकेश टिकैत को आपने सुना, राकेश टिकैत अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनसे सवाल जब शक्ति ने किया तो मुस्कुरा रहे थे, और उनकी ये मुस्कुराहट बता रही थी कि प्लानिंग अभी कुछ बड़ी है, मामला और आगे जाएगा। और जैसा कि शक्ति ने बताया कि अगर दिल्ली के अलग अलग कोनों में किसान बैठ गए तो फिर पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे, मामला दिल्ली की सीमाओं से दिल्ली के अंदर तक पहुंच जाएगा। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, लाठियां चल रही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि पुलिस कम से कम ITO और अक्षरधाम के रूट पर किसानों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। शक्ति लगातार हमारे साथ बने हुए। शक्ति, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि जो अक्षरधाम वाला रास्ता है जहां पर किसानों को रोका गया था, वहां पर रोक पाए या किसान उससे भी आगे निकल रहे हैं? ये देखिए, उसी रास्ते से हम आए, हम एक ट्रैक्टर पर बैठ के उस रास्ते से यहां तक पहुंचे। हमें कुछ तस्वीरें जरूर नजर आई कि एक कंटेनर खड़ा था, एक बस खड़ी थी और एक डंपर खड़ा था, लेकिन किसान उसे लगातार तोड़ते हुए धकेलते हुए आगे बढ़कर आगे, कई जगह रोकने की कोशिश की गई थी लेकिन किसान नहीं रुके। तो छिटपुट मान सकते हैं जिस सड़क पर इस समय यहाँ पर किसान पहुँच गए हैं, यहाँ से इंडिया गेट, यहाँ से कह सकते हैं जितने भी VIP रहते हैं वो यहाँ से दूर नहीं है। अगर किसानों ने एक बार ठान लिया कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो ये तस्वीर तो ये बयां कर रही है कि किसान वहाँ भी पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी है वह मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। जिस कानून को पालन कराने के लिए एक लाठी भी दी जाती है, उस लाठी की जगह आजकल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वह मैनेजमेंट में लग गए हैं, हाथ जोड़ने में लग गए हैं। अगर सख्ता ही नहीं करा सकते तो अब परिणाम यही होगा, इसी तरीके ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हम अगर बात करें इस आंदोलन की, तो हम पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं और आज पूरे 62 दिन हो गए। अगर शुरुआत में ही कुछ सख्ताई उस बॉर्डर पर दिखाई जाती, जिस बॉर्डर से होते हुए ये किसान यहाँ पहुँचे हैं, तो शायद वहाँ पर किसान इकट्ठे ही ना हो पाते। वहीं जो पुलिस के आला अधिकारी, जो गाजियाबाद के आला अधिकारी, अगर उनकी हम बात करें तो बस समय समय पर मिनट टू मिनट आते रहे गाजियाबाद के DM और SSP, और वार्तालाप बात की नेताजी से और वापस चले गए। तो इस तरह ये काफिला बढ़ता गया, और ये काफिला आज इतना बढ़ गया है कि वह दिल्ली में पहुंच गया है। और अब ये कहना भी गलत नहीं है कि दिल्ली पर अब किसानों का कब्जा है। पुलिस के यहाँ देखिए जवान दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर आराम से खड़े हैं, शायद इन्हें परमिशन ही ना हो कि इन पर लाठी चलाएं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका ये फेलियर है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी मैनेजमेंट में लगे रहे, पुलिस के आला अधिकारी हाथ जोड़ने में लगे रहे, जिसका खामियाजा ये है कि लगातार जिस तरह से किसान हैं यहाँ दिल्ली में है, और दिल्ली के अंदर यहाँ पर किसान आ गए हैं, और अब दिल्ली किसानों के कब्जे में है। वहीं अगर इनके नेताओं से बात हुई हमारी, राकेश टिकैत से बात हुई हमारी, तो राकेश टिकैत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि जो उनकी मंशा थी वह मंशा कोई भांप नहीं पाया। उनकी मंशा अब दिल्ली में आने के बाद शायद पूरी हो गई है। जो मुस्कुराहट तो उनकी यही बता रही थी कि यहाँ पर अब दिल्ली पर एक बार फिर किसानों का कब्जा है। 32 साल पहले इनके पिता महेंद्र टिकैत ने एक आंदोलन किया था, जिसमें कि दिल्ली के बोट क्लब पर पूरी तरीके से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था किसानों ने। और वहीं आज ये दूसरा आंदोलन है, उनके बेटे इसकी अगुवाई कर रहे थे, जिस बॉर्डर से ये दिल्ली के उन मुख्य मार्गों पर आ गए हैं, कि जिन मुख्य मार्गों के पास बहुत से VIP रहते हैं, सब कुछ इसी मुख्य मार्ग के पास से कुछ ही दूरी पर अब सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट इस थोड़ा सा अंदर जाकर है, कनॉट प्लेस है, यहाँ से आराम से सभी जगह जाया जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात है, जिस तरीके से राकेश टिकैत कह रहे थे कि हो सकता है कि वजीराबाद रोड से हम वापस निकल जाएंगे, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये वापस निकलने वाले हैं, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि अगर इन्हें निकलना होता तो जो दिल्ली पुलिस ने, मतलब शक्ति ये मान सकते हैं कि वजीराबाद रोड का जिक्र करके उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बैठने जा रहे हैं, इशारा ही है। वो अपना नया रूट बता रहे हैं, अपना नया प्लान बता रहे हैं वो। जी बिल्कुल, वजीराबाद रोड की बात करें तो वहाँ से किसानों का अब नया ही रूट माना जा सकता है, कि यहाँ से जो रास्ता है वह कहते वह
निकलने का, यहाँ से दिल्ली आईटीओ होते हुए वजीराबाद रोड जाता है और जाने के बाद वहाँ से किसान निकल जाएंगे, ऐसा कहना है। एक बार फिर हम राकेश टिकैत के पास चलते हैं और फिर इनसे बात करते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि अब सर बातचीत हुई होगी आपकी, यहाँ के आला अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, किसानों से बातचीत हुई होगी, अब किसान क्या चाहता है? अब किसान ये कह रहा है कि बिल वापसी दे दो, तोड़फोड़ का जिम्मेदार किसान तो शुरू से ये कह रहा है। लेकिन किसान, लेकिन आप ये कह रहे थे कि हमें एक रूट दे दिया जाए, उस रूट के बाद अरे रूट ही तो है ये, कौन सा पूछ रहा है ये बात? ये रूट है दिल्ली में, ये रूट दिल्ली में ही है, हम मना नहीं कर रहे कि दिल्ली में रूट है। तो देखिए बिल्कुल तोड़फोड़ का जिम्मेदार कैद की बात करें तो कहीं ना कहीं तो सीधा तौर पर ये कहना है कि रूट ही तो है। अब देखिए उनमें जोश भर गया है और वो जोश ऐसा आ गया कि अगर अब उनसे कोई सवाल पूछो तो अपना गुस्सा जाहिर करने लगे हैं। बिल्कुल तो सवाल बुरे लगे हैं सकते इनको, लेकिन देखिए सवाल तो उठेंगे। जो वादा था किसानों का कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम नियमों का सम्मान करते हैं, तो नियम तो टूटे हैं, लेकिन क्या इसका जवाब दे रहे हैं कि ठीक है आप रूट तोड़ सकते हैं लेकिन गाड़ी क्यों तोड़ रहे हैं? किसान ऐसा तो नहीं होता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें हम राकेश टिकैत की, तो उन्होंने तो अब सब साफ जाहिर कर दिया, पहले जाहिर नहीं किया था उन्होंने कि हम वापसी कब जाएंगे, लेकिन साफ जाहिर कर दिया कि रूट तो दिल्ली में ही है, हम इस रूट की कहते हैं अब तो कहना मैं बिल वापसी एक समाधान रास्ता। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा इशारा है कि जो किसान हैं अब दिल्ली में हैं और दिल्ली से जब भी वापस जाएंगे, जब ये तीनों बिल वापस हो जाएंगे, तो जो उनकी मंशा थी अब उनके चेहरे पे देखी जा सकती है। चेहरे में उनके शक्ति प्रदर्शन जो था उन्होंने, वापस ले लो मतलब जो आशंका आप अभी जाहिर कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर घुस गए तो हो सकता है दिल्ली में बैठ जाए, क्योंकि जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था एक डेढ़ साल के लिए कानून होल्ड करने का, वो किसान मानेंगे नहीं। कम से कम राकेश टिकैत के इस बयान से तो यही लग रहा है कि अब तो अभी तक तो बॉर्डर के बाहर थे, अब दिल्ली में आ गए और झमेला बढ़ गया सरकार और पुलिस के लिए। बिल्कुल, अगर राकेश टिकैत की बात करें तो वही बात है जो अभी आपने कही। तो सीधा का सीधा ये है कि जिस तरीके से आप उन पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन सवालों से बचते हुए कुछ ऐसे सवाल को जवाब दे रहे हैं जैसे कि अब उन्होंने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन था वह दिखा दिया है और अब वो जो चाहे वो बोल सकते हैं, ऐसा एहसास अब राकेश टिकैत ने दिखाना शुरू कर दिया। किसानों की संख्या लगातार बिल्कुल और शक्ति बने रही। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर अभी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को दौड़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्रवाई का ये कोरम है, क्योंकि किसान अच्छे खासे ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए और राकेश टिकैत ने कह दिया है।